तो हेलो गाइस मेडिसिनल केमिस्ट्री यूनिट वन का हमारा डिस्कशन चल रहा था जहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में डिस्कस किया था हाँ तो इस वीडियो में हम टेट्रासाइक्लिन्स के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाएंगे ओके okay? टेट्रासाइक्लिन्स पूरा ख़त्म करके हम नेक्स्ट से यूनिट टू पर कॉन्सनट्रेट करेंगे ठीक है चलिए टेट्रासाइक्लिन के अंदर हम सीखेंगे टेट्रासाइक्लिन ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन क्लोर टेट्रा साइक्लिन मिनोटेट्रा और डॉक्सी साइक्लिन ओके इस डॉक्सी साइक्लिन को डॉक्सी टेट्रा भी कहा जाता है ठीक है इनके एस ए आर नॉमिक्लेजर ठीक है इनके यूजर्स साइड इफेक्ट सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा जाएगा तो देखिए टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन वॉज डिस्कवर्ड इन नाइनटीन फोर्टी नाइनटीन फोर्टी के अंदर इसकी खोज हुई ये एक एंटीबायोटिक है ओके क्लास ऑफ एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल किया जाता है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर डिराइड फ्रॉम सॉइल एक्टिनोमाइसाइट्स सच एज स्ट्रप्टोमाइसिस क्वाइलिकलर कलर के ये सॉइल एक्टिनोमाइसाइट्स के से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेनली जो है ना ये टेट्रासाइक्लिन साइकिल सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ठीक है सॉइल के अंदर इसलिए जो है ना इन्हें स्ट्रेप्टोमाइसिस कलर बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किया जाता है टेट्रासाइक्लिन से ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है दैट एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथसाइज ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथिस को रोकते हैं ओके एंड दे आर रिगार्डेड एज बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में इनका काम रहता है इस एंटीबायोटिक्स का और ये फिफ्टी ईयर्स से पहले ही इसका इंट्रोडक्शन हुआ था इंट्रोड्यूस हुआ था और दे आर यूज टू इजीली एंटर द माइक्रोब्स बिकॉज ऑफ देयर हाई लिपिड सॉलिबिलिटी एक खासियत ये है इन टेट्रासाइक्लिन की ये ब्लड ब्रेन बैरियर को आराम से पास कर सकते हैं क्योंकि इनका सॉलिबिलिटी वेरी गुड है इन द लिपिड लिपिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन का सॉलिबिलिटी एक्सीलेंट है इस कारण वे आसानी से जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस कर कर और अच्छा सा अक्ष, अच्छा एक्शन दिखाते हैं सिर्फ ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ लिपिड ले मतलब जो माइक्रोब्स के लेयर रहते है हैं ना माइक्रोब्स लेयर आर मेड अप ऑफ लिपिड्स लिपिड से बने रहते हैं उनके लेयर्स माइक्रोब्स के लेयर्स दैट इज सेल वॉल लिपिड से बने रहते हैं अभी इफ़ टेट्रासाइक्लिन अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो वाटर सोल्यूबल होता तो लिपिड लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता ओके okay, मगर टेट्रासाइक्लिन एक लिपिड ड्रग है आसानी से लिपिड लेयर को क्रॉस करके जो है ना वो प्रोटीन सिंथसाइज को इनहिबिट कर सकता है माइक्रोब्स के अंदर ये आपको याद रखना है क्लासिफिकेशन की अगर बात करें देखिएगा इस नेचुरल अकरिंग टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्लोर टेट्रासाइक्लिन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन ठीक है और डिमिनोक्लोसाइलिन डिमिनिक्लोसाइक्लिन ये चार हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस के अंदर क्लोर टेट्रासाइक्लिन ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन एक और इम्पॉर्टेंट टेट्रासाइक्लिन है जो हमारा सेमी सिंथेटिक है ठीक है वो है डॉक्सी साइक्लिन और डॉक्सी टेट्रासाइक्लिन ये हमारे सिलेबस के चार इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले टेट्रासाइक्लिन देखिए ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है टेट्रा मतलब फोर साइक्लिन मतलब फोर रिंग्स वन टू थ्री फोर फोर रिंग्स जो है ना अपने आप में एक फ्यूज होकर एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं केमिकली एंड स्ट्रक्चली स्ट्रक्चरली दे आर अ क्लास ऑफ एंटीबायोटिक हैविंग अ न्यूक्लियस ऑफ फोर साइक्लिक रिग्स एंड आर कैरेक्टराइज बाय कॉमन ऑक्टाहाइड्रोनैप्तिन स्केलेटन ठीक है देखिए ये फोर साइक्लिक रिंग्स है जो ऑक्टाहाइड्रोनैप्तिन स्केलेटन आपको दिख रहा होगा फोर साइक्लिक रिंग्स और ये नेपथलीन स्केलेटन के जैसे लगते हैं नेक्स्ट आपको आ, मतलब नंबरिंग देखिए नंबर वन नंबर टू ओके नंबर थ्री नंबर फोर नंबर फाइव नंबर सिक्स नंबर सेवन नंबर एट इस तरीके से इनका नंबरिंग दिया गया है और ये एक एग्ज़ाम्पल है ये है जो है ना डॉक्सी का एक एग्ज़ाम्पल है नॉर्मल टेट्रासाइक्लिन का एक एग्ज़ाम्पल है टेट्रासाइक्लिन है नेचुरल टेट्रासाइक्लिन ठीक है यस टेट्रासाइक्लिन देखिए इस अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो शॉर्ट एक्टिंग मतलब वो टेट्रासाइक्लिन जिनका एक्शन बहुत ही कम रहता है दैट इज दैट हाफ लाइफ सीज सिक्स टू एट आवर्स एग्जाम्पल टेट्रा साइक्लिन क्लोर टेट्रा साइक्लिन ऑक्सी टेट्रा साइक्लिन जो हमारे नेचुरल अकरिंग टेट्रा साइक्लिन है उनका हाफ लावर्स हाफ हवर्स हाफ लाइफ सॉरी सिक्स टू एट आवर्स है देन इंटरमीडिएट एक्टिंग नेक्स्ट क्लासीफिकेशन ऑफ द टेट्रा साइक्लिन जिनका हाफ लाइफ ट्वेल्व हवर्स है डॉक्सी मीन डेट इज मेथाइल साइक्लिन और डी डीमिक्लो साइक्लिन और मिथाइसाइक्लिन ये जो है ना ये हमारे इंटरमीडिएट जिनका हाफ लाइफ ट्वेल्व आवर्स है नेक्स्ट इज अ थर्ड वन दैट इज अ लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन. दैट इज सिक्सटीन हावर्स इनका हाफ लाइफ है और ये एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लिन. अक्सर इस्तेमाल किया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का जी अक्सर इस्तेमाल होता है इनका और ये डॉक्टिस डॉक्सीसाइक्लिन जो है ना ये एक ड्रग ऑफ़ चॉइस है निमोनिया के लिए और ये ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड डिसीज़ के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है टाइफाइड जो सालमानला टाइफी से कॉज हो, होता है ना सालमान्ला टाइफी से टाइफाइड ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है डॉक्सीसाइक्लिन ठीक है और सम ऑफ द सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन हो या एक्नी वलगेरस हो तभी भी डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है मैं यूजर्स के अंदर आपको बताऊंगा नेक्स्ट ये देखिए आपको स्ट्रक्चर्स दिख ही रहे होंगे ये है हमारा टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर ये है हमारा क्लोर टेट्रासाइक्लिन का स्ट्रक्चर ये देखिए हमारा डॉक्सी टेट्रा या डॉक्सी टेट्रा कह सकते हैं या ये है ऑक्सी टेट्रा ठीक है डॉक्सी टेट्रा डॉक्सी टेट्रा का एक और नाम क्या है दैट इज अ डॉक्सी साइक्लिन डॉक्सी टेट्रा या डॉक्सी साइक्लिन देखिए टेट्रासाइक्लिन के अंदर नॉर्मली आपको दिख रहा होगा सी ओ एन एस टू है ओके okay, सब्सटीट्यूशन में बात कर रहा हूँ सी डबल बॉन्ड ओ है ओ OH एच है एन सी एस थ्री सी एस एट इज़ डाइम येल अमाइड ग्रुप लिंक है ठीक है ये सभी जो है ना आपको देख के पढ़ना इधर देखिए क्लोर टेट्रासाइक्लिन के अंदर होता क्या है बस इधर जो है ना क्लोरीन अटैच हुआ रहता है उसी तरह टेट्रासाइक्लिन के अंदर इधर ओ एच अटैच हुआ रहता है इधर क्लोरीन अटैच है इतना ही बस याद रखना है आपको और इधर देखिए सी डबल बॉन्ड ओ अटैच है इधर देखिए सी एस थ्री ओ एच अटैच है नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो गाइज टेट्रासाइक्लिन देखिए इट इज़ अ बैक्टीरियो स्टेटिक एंड इनहेबिट प्रोटीन सिंथिसाइज बाय बाइंडिंग टू थर्टी एस राइबोजोम्स ये करते क्या है गाइज थर्टी एस राइबोजोम को बाइंड करते हैं देखिए तो इस राइबोजोम को बाइंड करते हैं अभी मैं ऊपर ऊपर आपको बता देता हूँ देखिए अक्सर होता क्या है अक्सर प्रोटीन एक वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रेंट है एसेंशियल एलिमेंट है जो सेल डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीजन के लिए चाहिए अभी अक्सर होता क्या है गाइज़ ये आपको दिख रहा होगा अमाइनो असाइल टी आर एन ए और यम आर एन ए जब अमाइनो असाइल टी आर एन ए बाइंड होता है यम आर एन ए पर तब उसका प्रोटीन सिंथेसाइज होता है गेज़ आपको दिख रहा होगा ये अगर अमाइनो असाइल टी आर एन ए यम आर एन ए से नहीं जुड़ेगा तो प्रोटीन सिंथसाइज नहीं होगा हाँ अभी टेट्रासाइक्लिन करते क्या है गई किसी भी प्रकार का टेट्रासाइक्लिन हो डॉक्सीसाइक्लिन हो क्लोरसाइक्लिन हो किसी भी प्रकार का टेट्रासाइक्लिन हो वे जाके यम आर एन ए पर बैठ जाते दे विल टेक द प्लेस ऑन द यम आर एन ए अगर यम आर एन ए पर टेट्रासाइक्लिन का टेट्रासाइक्लिन का बैठ जाना हो गया मतलब जाके उनका पोजिशन लेना हो गया तो अमाइनो अस टी आर एन इधर नहीं आ सकेंगे अगर अमाइनो अस टी आर एन ए अगर नहीं आ सकेंगे तो क्या होगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा यही सब आपको इधर पढ़ना है बिकॉज ऑफ अटैचमेंट ऑफ अमाइनो असाइल टी आर एन ए टू द मैसेंजर इज इंटरफियर्ड ओके एज अ रिजल्ट पेप्टाइड चेन फेल्स टू ग्रो इंटरफियर होने के कारण जो है ना पेप्टाइड चेन का ग्रोथ फेल हो जाता है नेक्स्ट यस ए आर की अगर बात करें तो गाइज स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप बेसिकली टेट्रासाइक्लिन हैव फोर बेंजीन रिंग्स इन इट्स स्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल सबसे पहले ये चार रिंग जो आपको दिख रहा है ए बी सी डी ये चारों रिंग बहुत ही जरूरी है एक्टिविटी के लिए अगर सब्सटीट्यूशन की बात करें तो सब्सटीट्यूशन देखिए इस कार्बन नंबर वन पर होता है टू थ्री फोर थर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इन पर हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं मतलब सब्सटीट्यूशन इन पर कर सकते हैं चलिए अब देखते हैं मॉडिफिकेशन एट सी वन एंड सी थ्री अगर C1 और C3 पर हम किसी भी प्रकार के मॉडिफाई मॉडिफिकेशन करते हैं दैट इज दिस वन C डबल बॉन्ड ओ ओ एच दैट इज कीटो इनॉल टोटामिज्म बिटवीन C1 वन एंड सी थ्री देखिए सी डबल बॉन्ड ओ ये तो हमारे कीटोन ग्रुप है ग्रुप है ठीक है ये हमारा अल्कोहल ग्रुप है इसलिए कीटो इनॉल ई कीटो मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ई मतलब ओ एच कीटो इनॉल टोटामरिज्म बिटवीन द सी वन एंड सी थ्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड मतलब सी डबल बॉन्डो और ओ OH एच का रहना बहुत जरूरी है एक्टिविटी के लिए सेकेंड देखते हैं देखिए सी टू पर मॉडिफिकेशन हो गया दैट इज़ दिस वन इधर अमाइड ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ओके अनसब्स्टिट्यूटेड और मोनोसब्सटीट्यूटेड अमाइड अगर इधर अन मतलब मोनोसब्सटीट्यूटेड अमाइड रहा तो होगा क्या ये जो है न प्रोड्रग फॉर्मेशन के लिए मदद होगा प्रोड्रग के लिए मदद होगी प्रोड्रग होते क्या है प्रोड्रग के क्लासिफिकेशन क्या है वो किधर किधर इस्तेमाल होते हैं वो भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉडिफिकेशन इन सी फोर सी फोर के अंदर मॉडिफिकेशन दिस वन ठीक है डाई मीथाइल अमाइन ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है डाई डाई मीथाइल अमाइन एक्टिविटी के लिए और ये uh, जिट्रायान फॉर्म करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिससे गुड डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का ऑफ़ द ड्रग इन द बॉडी बॉडी के अंदर अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेक्स्ट अगर C4 की अगर बात करें तो कार्बन फोर के अंदर गाइज़ डाई मिथाइल ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था हाँ और एक बात आपको याद रखना है रिप्लेसमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप विथ ऑक्साइम्स विल डिस्ट्रॉय द एक्टिविटी अगर इस मिथाइल ग्रुप को अगर आप किसी भी प्रकार के एसिडो ऑक्साइम्स हो या कीटो ऑक्साइम्स हो इनसे अगर रिप्लेस कर देंगे तो क्या होगा आपका एक्टिविटी जो है ना डिक्रीज हो जाएगा और एक्टिविटी टोटली डिस्ट्रॉय भी हो सकता है नेक्स्ट सी सिक्स कार्बन पर देखिए इधर अगर सी सिक्स कार्बन पर आ, अगर आप ओ एच ग्रुप को अटैच कर दें तब ऑक्सी टेट्रा बन जाता है जो कि एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन है ठीक है अगर आप सिक्स पोजीशन पर ओ एच ग्रुप नहीं अटैच करोगे तभी वो नेचुरल टेट्रासाइक्लिन हो, हो जाएगा मतलब नेचुरल टेट्रासाइक्लिन नेक्स्ट मॉडिफिकेशन एट सी एट देखिए अगर सी एट पोजिशन पर यहाँ ओ OH एच और सी एच थ्री का रहना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी बट सम ड्रग्स लाइक डिमिक्लोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन यहाँ पर ओ OH एच और सी एच थ्री नहीं रहते देखिए डिमिक्लोसाइक्लिन पर सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रक्चर रहता है डॉक्सीसाइक्लिन पर भी सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रक्चर रहता है ठीक है डॉक्सी पर भी सी डबल बॉन्ड ओ का स्ट्रक्चर रहता है इसलिए ये दो ड्रग जो न, है ना एक्सेप्शनल है एक्सेप्टन बाकी के सब सी एड पोजिशन पर ओ OH एच और सी एस थ्री रहना है जिस पर गुड एक्टिविटी दिखा सके नेक्स्ट सी टेन पोजिशन पर इधर देखिए गए सी टेन पोजिशन पर सोडियम हो या क्लोराइड का रहना ज़रूरी है अगर क्लोराइड सी एड रहा तो एक्टिविटी जो है ना इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट एट सी थर्टीन पोजिशन फिनॉलिक मोइटी इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द पोटेंट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इन थर्टीन पोजिशन ओ एच का रहना भी बहुत ज़रूरी है जिसके कारण uh, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी अच्छा दिखा सके नेक्स्ट इज सी फिफ्टीन एंड सी सेवेंटीन पोजिशन देखिए ये है हमारा सी फिफ्टीन और सी सेवनटीन ये भी क्यूटो इनऑल टोटामिज्म बहुत ही जरूरी है फॉर द पोटेंट एक्शन ऑफ द ड्रग ओके नेक्स्ट देखिए गाइज हमारा यह सी एटीन पोजिशन ये लास्ट ए सी आर है मतलब ये लास्ट पार्ट है सी एटीन पोजिशन यहाँ ओ एच ग्रुप एट सी एटीन पोजिशन इज ज प्रड बिलो द प्लेन विच इज इनिंग वैल्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो हमारा OH, के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक मतलब है ये हमारा ओहच ग्रुप एटीन पोजिशन पर यस yes गाइस ये हो गया हमारा मैक्सिमम मतलब यस ए आर तो कंप्लीट हो गया टोटली totally पूरा सब कुछ इसमें एक ही स्ट्रक्चर में मैंने दिखाया आप देख सकते हो नेक्स्ट बात करते हैं थेरेपेटिक यूजेस देखिए डॉक्सीसाइक्लिन ये एक ड्रग ऑफ चॉइस है इन द ट्रीटमेंट ऑफ रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर के लिए जैसे कि मतलब फीवर स्किन स्पॉट्स कॉज ऑफ टिक्स उन्हें ट्रीट करने के लिए ये डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है ठीक है ये वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इज अ इन्फेक्शंस न्यूमोनिया के अंदर फीवर कफ कि या मैलियस फैटिक के अंदर पलमंद्र रैशेस के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है क्लेमिडीमिया इन्फेक्शन ओके जैसे कि आई डिजॉर्डर हो या कॉन्जैक्टिवाइटिस हो तहाँ तब भी हम दे सकते हैं टेट्रासाइक्लिनसर इफेक्टिव फॉर अक्यूट एंड क्रोनिक इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग अक्यूट प्लेग हो ठीक है या गोनोरिया गोनेरिया हो मतलब सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हो कोलेरा हो अदर इन्फेक्शन लाइक एक्नी वलगेरस में भी दे सकते हो गैस्ट्रो इंटेस्ट इन्फेक्शन साइटलिस गोनेरिया में भी इनका इस्तेमाल होता है अगर एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो गाय सिंपल है नोजिया वॉमिटिंग तो कॉमन है सन बर्न भी हो सकता है इसे मतलब लाइक स्किन रिएक्शन ऑन एक्सपोज टू द पार्ट अगर हम किसी भी प्रकार के टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल कर रहे हैं सन प्रोडक्ट्स के ऊपर देन हैपाटॉक्सिसिटी देन रिनल टॉक्सिसिटी नॉन कैल्सिफाइड बोन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है ओके ये सभी जो है ना साइड इफेक्ट्स है जो अक्सर हालांकि नहीं होते 90 परसेंट साइड इफ़ेक्ट्स वही नवजिया वॉमिटिंग वॉमिटिंग और डायरिया अगर होंगे तो यही होंगे ओके तो गाइज़ ये होगा तो हो हमारा टेट्रासाइक्लिन का पूरा का पूरा डिस्कशन डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स मिल जाएंगे आपको नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे यूनिट टू अगर वीडियो पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले शेयर कर ले थैंक यू